हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट लेक्चर में हमने आपकी जो मैरीगोल्ड इंग्लिश की बुक है उसमें हमने फर्स्ट यूनिट जो है उसका टाइटल है माय फर्स्ट डे एट स्कूल, हमारा स्कूल का फर्स्ट डे, तो वो हमने मीनिंग के साथ कंप्लीट किया था। और आज हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज, कम ऑन पेज नंबर टू पे। पेज नंबर टू पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। मैं सोच रहा हूँ, वंडर माना सोचना, आगे आपने राइम्स में देखा ना, वंडर माने सोचना कि सी कैसा है, ब्लू है। रीडिंग इज फन। व्हाट डज दिस चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग, क्वेश्चन नंबर वन है। व्हाट डज, बच्चा क्या सोच रहा है पोयम में, किसके बारे में? थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग, इसके ड्रॉइंग के बारे में क्या सोच रहा है? तो बच्चा सोच रहा है कि मेरा ड्रॉइंग जो अदर बच्चे हैं क्लास में उसके जैसा अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग इज एज गुड एज द अदर्स इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर टू, वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। बच्चा जब स्कूल में पहले पहले दिन जा रहा है तो अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा है? तो बच्चा क्या सोच रहा था कि मेरे टीचर मेरे ग्रैंड माँ जैसा होंगे कि नहीं होंगे। तो हम इंग्लिश में उसको लिखेंगे द चाइल्ड वंडर about his teacher, whether his teacher look like his mom or granny, उसकी माँ या दादी माँ जैसे दिख रहे होंगे टीचर, ऐसा सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर थ्री, do you think the child would like to carry his puppy to school? आपको लगता है कि बच्चा अपने पपी को भी स्कूल में साथ ले जाएगा? Yes, he like to carry his puppy to स्कूल, क्योंकि उसको अच्छा लगता है ना पॉपी को स्कूल में ले जाना। तो हम क्या आंसर देंगे? यस, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पॉपी टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक, बात करनी है। क्या बात करनी है? रीड करते हैं। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या कह रहे हैं? डू यू रिमेंबर, आपको याद है, क्या याद है? योर फर्स्ट डे एट स्कूल। ओके, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? जब आप स्कूल में पहली बार गए थे तो आपको अपना वो फीलिंग्स याद है कि आपने कैसा फील किया था? पहले पहले दिन जब आपने नर्सरी से स्टार्ट किया था तो शायद आपको याद होगा नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम थिंकिंग दैट, देखो यहाँ आपको फोर फेसेस दिए गए हैं। देखो ये फेस कैसा है, अच्छा है? नहीं, बिकॉज इट्स एंग्री। ये दूसरा देखो, साई, थोड़ा शर्म आ रही है उसको, ये बहुत हैप्पी है, हंस रहा है जोर जोर से, और ये फेस में देखो सैड, उसको अच्छा नहीं लगता स्कूल जाने के लिए, है ना, तो सैड है। तो आपको याद है जब आप पहली बार स्कूल में गए थे तो ये चारों में से आपका फेस कैसा था? ऑफ कोर्स आई एम थिंकिंग दैट यू वॉज हैप्पी, आपका फेस बहुत खुश होगा, राइट? क्योंकि आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है ना, तो यू फील हैप्पी। देन नेक्स्ट, when you entered your class, when you entered your class, what did you like? जब आप आपके क्लास में एंटर हुए तो आपको क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा? जब आप स्कूल में एंटर हुए तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो आप लिख सकते हैं माय टीचर, आपको सबसे अच्छे और टीचर लगे होंगे। शायद किसी को प्लेग्राउंड अच्छा लगा होगा, हाँ, किसी को अपने फ्रेंड्स अच्छे लगे होंगे, किसी को क्लासरूम अच्छा लगा होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है जब आप क्लास में एंटर हुए तो आपको क्या अच्छा लगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? यहाँ आपको अपने पहले पहले दोस्त का नाम लिखना है जिसके साथ आपकी सबसे पहले दोस्ती हुई थी। देन वी लुकिंग एट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर थ्री पे देखो, वॉट डिड यू एन्जॉय डूइंग द मोस्ट? आप जब स्कूल में गए तो आपने क्या एन्जॉय किया सबसे अच्छा? तो आपको प्लेइंग अच्छा लगा, आपको कैंटीन में खाना अच्छा लगा,
आपको आपके टीचर अच्छे लगे, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, टीचिंग अच्छा लगा, स्कूल अच्छी लगी, आपके फ्रेंड्स अच्छे लगे, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो यहाँ पे लिखना है. ओके, देन डू यू हैव ए पैट एट होम, आपके घर में पैट है. Who waits for you to come back from school? हम नन्हे नन्हे पपी रखते हैं ना घर में, तो पैट डॉग रखते हैं, कोई कैट रखता है, रैबिट रखते हैं, तो आपके घर में ऐसा कोई पैट है, ये पूछ रहे हैं. और जो है तो वो आप जब स्कूल से वापिस आने वाले होते हो तो वो आपका इंतज़ार करता है, ऐसा है तो है आपके पास तो यस, एंड नहीं है तो नो. देन नेक्स्ट लेट्स एक्ट, यहाँ आपको एक्टिंग करनी है. क्या एक्टिंग करनी है, देखो फाइंड अ पार्टनर, आपको कोई एक अदर पर्सन चाहिए आपके साथ एक्टिंग करने के लिए. लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर, आपके पार्टनर को क्या बनाना है, टीचर बनाना है. हु वेलकम यू टू योर क्लास, जो आपको आपके क्लास में वेलकम कर रहा है. नाउ एक्ट योर फर्स्ट डे एट स्कूल, अभी हमको एक्टिंग करनी है. क्या एक्टिंग करनी है कि आपके घर में अगर मम्मी है, बड़ी बहन है आपकी, तो आपको क्या करना है, उसको टीचर बनाना है और आपको स्टूडेंट बन के क्लास में एंटर होना है और वो आपको कैसे वेलकम करती है वो देखना है. ऐसे करके आपको एक्टिंग करनी है. ओके, प्ले करना है. एंड देन लुक एट द पिक्चर, वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग, आपको पिक्चर में देखना है बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो टीचर एंड स्टूडेंट की एक्टिंग कर रहे हैं. तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज हमने आज सीखी है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. ओके, नोटबुक में लिख के ये सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं.